नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आर के जी सिविल पाठशाली यूट्यूब चैनल पर दोस्तों कल का न्यूज़पेपर मैं अपलोड नहीं कर पाया था थोड़ा काम आ गया था बाहर जाना पड़ा था लेकिन आज हम कल का और आज का दो दिन का न्यूज़पेपर अपलोड करने वाले हैं तो सबसे पहले यदि हम कल के न्यूज़पेपर की बात करें तो यहाँ पर हम दो बड़े एडिटोरियल देखने वाले हैं पहला जो एडिटोरियल है वो हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और दूसरे नंबर का जो हमारा एडिटोरियल रहेगा जो हमारे कंट्री के एससी वाले लोग हैं मतलब हम दलित लोगों की बात करने वाले हैं तो पहले एडिटोरियल की यदि हम चर्चा करें जो कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड है हाल फिलहाल में देखा जाए तो एक न्यूज आई थी कि जिम कार्बेट में 6000 पेड़ों को काटा जाना है अब इस प्रकार से यदि हम किसी नेशनल पार्क के इतने सारे पेड़ पौधों को काट देते हैं तो वहां रहने वाले जीव जंतु का जो प्राकृतिक आवास है ना वो खत्म हो जाता है वहां से निकल करके अब वो कहा आएंगे इंसान जहां रहते हैं उनके खेतों की तरफ इंसानों की बस्तियों की तरफ वो आएंगे और फिर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाता है इस प्रकार से हमारी जो सरकार है ना रिवेन्यू कमाने के चक्कर में अपनी जो बायोडायवर्सिटी है ना उसको खत्म कर रही है अब इन सारी चीजों की अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है कोर्ट ने टाइम टाइम पर अब अप, अपने अलग अलग जजमेंट दिए हैं फिर भी क्या सुप्रीम कोर्ट सफल हो पाया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से कानून बनाए हैं जिसके अंतर्गत वो वन्य जीवों को सुरक्षा प्रोवाइड करती है पेड़ पौधों की रक्षा करती है पर्यावरण को बचाने का कोशिश करती है इसके ऊपर ये सारे टॉपिक हम इसके अंतर्गत कवर करेंगे इसके बाद सेकेंड नंबर का जो एडिटोरियल है वो दलित लोगों की लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है नॉर्मली यहां पर बताया जाता है कि भीमराव अंबेडकर जी ने कौन कौन सी चीजों को फेस किए वो कभी जैसे रेंट में रूम देखने के लिए गए थे या फिर और भी शहर में जब उनका आना जाना हुआ जैसे कि कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाने से रिलेटेड उनको क्या समस्याएं फेस करनी पड़ी कुछ कुछ बातें यहां पर इस प्रकार की हैं इसके साथ ही साथ में यहां पर बताया जाता है नॉर्मली जो दलित लोग हैं ना उन्होंने जो भेदभाव छुआछूत छुआ 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 फेस किया है वो गांव में किया है अब वो लोग क्या सोचते हैं एक काम करते हैं हम शहर की तरफ चलते हैं शहर में जाएंगे तो शायद ये जो जातिवाद है ना वो कम हो जाएगा लेकिन राइटर का कहना है जब वो लोग गांव से शहर की तरफ में आ गए हैं तो शहर में भी वो क्या क्या चीज फेस कर रहे हैं किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ में होता है एक तो लैंग्वेज पर आधारित और दूसरा आ जाता है कास्ट पर आधारित चीजें इसके साथ ही साथ जैसे कि कई कई राज्यों में सरकार मीट पर बैन लगा देती है मीट की शॉप पर बैन लगा देती है तो राइडर का कहना है ये जो पूरा का पूरा डिसीजन लिया जा रहा है ना वो ब्राह्मणवाद पर आधारित है ठीक है क्योंकि ब्राह्मण जो जाति रही है ब्राह्मण जो लोग रहे हैं वो हमेशा से ही दलितों को मांस खाने वाला ठीक है और इस हिसाब से उसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं अब मीट की शॉप यदि बंद कर दी जाती है तो इससे सबसे ज्यादा जो कहना चाहिए प्रभावित होगा लोगों के जो अधिकार प्रभावित होंगे वो कौन लोग हैं एक तो दलित लोग हैं और दूसरी हमारी मुस्लिम माइनॉरिटीज है तो इन सब बातों का यहाँ पर जिक्र किया जाता है और बताया जाता है कि शहरों का विकास यदि हो रहा है तो उनमें इन सब बातों का कैसे करके हमको ध्यान रखना चाहिए तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के साथ में हाल फिलहाल में देखा जाए तो अभी कुछ समय पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क न्यूज़ में रहा था यहाँ पर छः हजार पेड़ काटे गए थे पेड़ काटने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं जैसे कि रास्ता बनाना है यहाँ पर कुछ कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई बिल्डिंग खड़ी करना है या फिर और कोई अन्य रीजन हो सकते हैं पेड़ों को काटने की कुल मिलाकर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया था क्योंकि यह ऐसा ताकि कुछ पैसे कमाए जा सकें लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है पैसे कमाई के चक्कर में कभी भी इन्वायरमेंट को हमें खोना नहीं है 250 शब्दों में जो हमें आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें इस प्रकार से रहने वाली हैं कोर्ट का जिस डिसीजन आया था ठीक है अभी हाल फिलहाल में देखा जाए 6000 हजार पेड़ जो काटे गए इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इसकी सुनवाई हुई इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है कि आप क्या काम करेंगे जिम कार्बेट का जो आवरण हर, है उसको आपने जो भी नुकसान पहुंचाया है ना उसकी भरपाई आपको करना पड़ेगा तो इसके लिए आपको एसेस करना पड़ेगा जो डैमेज आप किए हैं ग्रीन कवर ऑफ जिम कार्बेट को सो एज टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन इससे क्या होगा हम जो रेस्टोरेशन की कीमत है उसका पता लगा पाएंगे कि वास्तव में हमें कितना नुकसान हुआ है एंड रिकवर करेंगे सेम टू सेम चीज अपीयर्स टू बी ए मेराज इन देंस ऑफ वेल डिफाइंड मेथोडोलॉजी लेकिन ऐसा यदि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है ना तो कुल मिलाकर के यहाँ आप देखेंगे हमें एक वेल डिफाइंड मेथडोलॉजी की आवश्यकता थी तभी जा करके ये काम हो सकता है इस लाइन इन लाइनों के ऊपर हमको 250 सौ पचास शब्दों का आंसर राइटिंग करना है तो ये जिम नेशनल जिम कार्बेट नेशनल पार्क है और जिम नेशनल कार्बेट नेशनल पार्क के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड में लोकेटेड है अलग अलग एरिया में ये फैला हुआ है जैसे कि ग्रीन वाला एरिया की यदि हम बात करें तो ये कोर वाला एरिया है और आजू बाजू का जो एरिया है वो बफर वाला एरिया है मतलब मेन जो एरिया है इसका वो ग्रीन कलर से ही दर्शाया गया है अभी हाल में कुछ समय पहले हम देखते हैं कि जिम नेशनल कार्बेट जिम कार्बेट नेशनल पार्क में छह हजार पेड़ों की कटाई हुई तो मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसकी सुनवाई कर रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसके लिए जो भी जिम्मेदार लोग हैं पॉलिटिशियन फॉरेस्ट ऑफिसियल, लोकल कॉन्ट्रैक्टर ये सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं 6000 हजार की कटाई के लिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था <coughs> अब वहीं यदि हम बात कर लें कि स्टेट मतलब राज्य सरकारें केंद्र सरकारें किस चीज के ऊपर फोकस करती हैं वो रेवेन्यू के ऊपर फोकस करती हैं कि कैसे करके हम नेशनल पार्क से भी कमाई कर सकते हैं एंड इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या इंटरवेंशन रहा है इसके बारे में आप देख सकते हैं दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स अंडरलाइन वन फैक्ट क्लियरली एक चीज तो क्लियर है कि सरकार खुद सरकार को खुद ये बात अच्छी तरह से पता है हमने बहुत सारे के गोल रखे हैं कि हमें वन्य प्राणियों का कर संरक्षण करना है साथ ही साथ इनमें इनको हम प्रायोरिटी भी देते हैं पॉलिसीज़ के माध्यम से कानून के माध्यम से जैसे कि हमने कुछ कुछ कानून बनाए हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट उन्नीस है प्रोजेक्ट टाइगर हम लाए थे इसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आया है इन सब कानूनों के बावजूद भी आप देखेंगे ना सरकार का मुख्य उद्देश्य रहता है कि कैसे ना कैसे करके हमको रेवेन्यू कमाना है हमारे हाथ में पैसा आना चाहिए उन्नीस का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था रूरल डिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश जिसमें बोला जाता है कि जो आप इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करना चाहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन कर दें एंड पीपल्स राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट एक तो आपको पर्यावरण को ख़त्म नहीं करना है दूसरा लोगों को ये अधिकार है कि वो अच्छे पर्यावरण में अच्छे वातावरण में रहे तो ये दोनों अधिकारों को ख़त्म करके आप अपना इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सकते विश्व की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था को बनने की कोशिश मत करिए जजमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ देखते हैं जैसे कि नेशनल एंड स्टेट फॉरेस्ट ऑथॉरिटीज़ थिंकिंग एंड कोर्ट इंटरवेंशन नेशनल एंड स्टेट फॉरेस्ट ऑथरिटीज़ क्या सोचती है एंड इसमें कोर्ट का क्या इंटरवेंशन रहा है हमेशा से ही सरकारें चाहती हैं कि कहीं भी नेशनल पार्क वाला एरिया है कहीं भी जंगल वाला छोटा मोटा जंगल वाला एरिया है वहां पर हम इको टूरिज़्म को डेवलप करें साथ ही साथ कंजर्वेशन के गोल को भी लेकर के हम चलना चाहते हैं हम चाहते हैं कि रिवेन्यू इन्हेंस हो एंड लाइवलीहुड हम इम्प्रूव करना चाहते हैं लोकल पीपल की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है कि जो अप्रोच है अप्रोच मस्ट बी ऑफ इको टूरिज्म एंड नॉट एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ठीक है आपको इको टूरिज्म के ऊपर ध्यान देना है लेकिन बहुत ज़्यादा आप ये मत करिए कि इंसानों का इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा होना लग जाए प्रकृति के ऊपर साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिशा निर्देश जारी जारी किए थे कि जो टाइगर सफारी है कोर एरिया में हम नहीं होने देंगे इस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कमेटी टू एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ परमिटिंग टाइगर सफारी इन पेरीफेरल एरियाज इन नॉर्थ जस्ट एस जिम कार्बेट बस एकर इंडिया इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक कमेटी का गठन करिए और ये जो कमेटी रहेगी इस कमेटी का काम है कि ना केवल जिम कार्बेट नेशनल पार्क में सफारी से रिलेटेड हम कुछ नियम कानून बनाए कि किस एरिया तक सफारी को अलाउ किया जाना चाहिए बल्कि इस बाघ अभ्यारण्य के बाहर भी हम इस कानून को लागू करेंगे इसके अलावा कोर्ट इस बात से डिसएग्री हो गया था 2019 की गाइडलाइन थी तमिल सॉरी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरिटी ने परमिट कर दिया था एक टाइगर टाइगर सफारी को लाइन्स ऑफ जू इन द नेशनल पार्क ठीक है तो नेशनल पार्क में जो सफारी को अलाउ किया गया था किसके द्वारा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटीज़ के द्वारा उसको भी मना कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसा करने का मतलब वही है कि जो जानवर हैं वो डिस्टर्ब होते हैं ठीक है अच्छे तरीके से नेचुरल तरीके से वो रह नहीं पाते हैं एंड ये चीज़ उनके ब्रीडिंग को भी प्रभावित कर सकती है ठीक है उनकी लाइफ स्टाइल को भी प्रभावित कर सकती है इसलिए हॉर्न वगैरह से वो परेशान होते हैं इसलिए शायद सफ़ारी को अलाउ नहीं किया जाता है और दूसरे नंबर की बात यह है सफ़ारी को यदि आप अलाउ करेंगे ना तो उसके लिए आपको रास्ता भी बनाना पड़ेगा हो सकता है आपको इसके लिए पेड़ काटने पड़ जाए अब अब हम बात करते हैं कि कुछ ब्रिटिश लोग हैं ब्रिटिश लोग आखिर क्या कहते हैं कंजर्वेशन को लेकर के ब्रिटिश पर्यावरण विद मायर्स का कहना है कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल आखिर है क्या एहतियाती सिद्धांत जिसको बोलते हैं आज के समय में यदि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को टैकल करना है तो पॉलिसी मेकर को अपने मन में ध्यान में रखना पड़ेगा कुछ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स को तो ये उसके लिए जो भी प्रिंसिपल बनाए गए हैं इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको हम बोलते हैं प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल इन प्रिंसिपल में बोला गया है जहाँ कहीं भी लग रहा है कि सीरियस थ्रेड्स है या फिर इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है पर्यावरण को वन्य प्राणियों को इसके लिए आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास में कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं थे वैज्ञानिक फैक्ट नहीं थे वैज्ञानिक मैथडोलॉजी नहीं थी ये एक रीज़न नहीं हो सकता है फॉर स्टॉपिंग कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स इसके लिए हमें कॉस्ट इफेक्टिव मेज़र्स अपनाए जाने चाहिए थे ताकि हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोक सकें इसके अलावा बोला जाता है इस प्रकार के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर अप्लाई होते हैं मोर देन एनी अदर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम से कहीं ज्यादा पर ये जो नियम कानून है ना बायोडाइवर्सिटी के ऊपर लागू होते हैं अब अब कुछ ऐसी चीज हम ऐसे प्रयास कर रहे हैं जिसके चलते चलते बहुत बड़े पैमाने पर ठीक है पेड़ पौधों की कटाई हो रही है यदि आप इसको नहीं रोकते हैं तो इससे क्या होगा हमारी जो आधी स्पीसीज हमारे प्राणी है ना वो खत्म हो जाएंगे साथ ही साथ में हमारे जो बायोस्फिजर हैं ठीक है But we we'll leave the biosphere improvised, improvised for a at least five millions ईयर इतने सालों की जो हमारी मेहनत है ना वो पूरी बर्बाद हो जाएगी यदि हम इस प्रकार से मास गैदरिंग एक्सटेंक्शन माथ गैदरिंग फेज को नहीं रोकते हैं तो इसके बाद इस एडिटोरियल के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर निकल करके आते हैं जैसे कि अभी तक देखा जाए आई की रेड लिस्ट के हिसाब से जो थ्री एटेंट स्पीसीज़ की हम बात कर रहे हैं हमारी विविधता को अभी तक कितना नुकसान हो चुका है आई की रेड लिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर मॉनिटरिंग की जाती है बारह एनिमल स्पीसीज़ की इंडिया में तो बोला जा रहा है सन 2021 में ये पता लगाया गया है कि जो इनमें से 12 परसेंट ऐसे हैं जो कि इनडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं एक रिपोर्ट आई थी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट 2021 में पब्लिश हुई थी तो इसमें बोला जा रहा है कि इंडिया ने ऑलमोस्ट 90 परसेंट ऑफ द एरिया को खो चुका है अंडर इट्स फोर बायोडायवर्सिटी हॉस्ट स्पॉट इंडिया के पास एग्जाम्पल के तौर पर यदि चार बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं तो इसमें से नाइन्टी एरिया हमारा तबाह हो चुका है कब्जा हो चुका है वहाँ पर इंसानों का कब्जा हो चुका है इसलिए बोलते हैं कि जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स हैं इनको न केवल हम टाइगर के लिए अप्लाई करें साथ ही साथ में अदर जो स्पिस हैं स्पेशली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं इनके ऊपर भी हमें इस प्रकार के प्रिंसिपल को लागू करना चाहिए लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि कोर्ट से आखिर क्या ऐसी चीज़ है जो छूट गई है ठीक है क्या चीज़ का ध्यान देना चाहिए था अब कोर्ट का फैसला कहता है कि भाई आपने जितना भी हरित आवरण को लॉस किया है ना उसका आकलन करो आप एंड जितना भी नुकसान हुआ है ना उसकी भरपाई आपको ही करना पड़ेगा ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना था लेकिन यहां पर दिक्कत ये वाली बात हो गई है कि आपके पास में कोई वेल डिफाइंड मेथोडोलॉजी नहीं है जो बताए कि वास्तव में इतना नुकसान हुआ है पर्यावरण को जिम कार्बेट नेशनल पार्क को तो वेल डिफाइंड मेथडोलॉजी के अभाव में ये ऑर्डर उतना ज़्यादा कामगर नहीं होने वाला है इसका मतलब ये है कि आप यदि रिकवर करना चाहते हैं कॉस्ट ऑफ रेस्टोरेशन को डज नॉट अमाउंट टू नेसेसरली रिकवरिंग द लॉस ऑफ़ द एबिलिटी ऑफ़ द एनवायरनमेंट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज आप उस चीज़ को रिकवर नहीं कर सकते कि हमारा जो इन्वायरमेंट था हमें गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड कर रहा था वो कैपेसिटी अब फिर से आप उस नेशनल पार्क को नहीं दे सकते हैं जो वो हमें देता उनके लिए जो घर नष्ट हो गया है यहाँ से जो छोटे मोटे जीव जंतु ख़त्म हो गए हैं कीड़े मकोड़े ख़त्म हो गए हैं ठीक है यहाँ से जो ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है वो जो चीज़ है वो उसको आप रिकवर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं अब हम कंजर्वेशन स्टेटस की बात करते हैं नेचुरल हैबिटाट की हैबिटाट का मतलब ये है यदि कहीं पर कोई वन्य जीव जंतु रह रहे हैं ठीक है जीखे? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें कोई वन्य जीव अभ्यारण्य विकसित किया गया असम में एक सिंग वाले गेंडे पाए जाते हैं तो वो उनका एक प्राकृतिक हैबिटाट है तो यूरोपियन लाइबल लाइबलिटी डायरेक्टिव 2004 के हिसाब से जो कंजर्वेशन स्टेटस है नेचुरल हैबिटाट का उसका मतलब है सम ऑफ इन्फ्लुएंसेस दैट वर्किंग ऑन नेचुरल हैबिटाट कोई ऐसी चीजें कोई ऐसे काम ठीक है जो जिसके चलते चलते जो काम हम किसी नेचुरल हैबिटाट में कर रहे हैं एंड इट्स टिपिकल स्पीसीज दैट में अफेक्ट इट्स लॉन्ग टर्म नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे काम हम कहाँ कर रहे हैं नेचुरल हैबिटाट में कर रहे हैं या फिर ऐसे काम जो कि यहाँ पर रहने वाली स्पिसीज़ के ऊपर हम कर रहे हैं ऐसे काम से यदि लॉन्ग टर्म नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन उनका प्रभावित हो सकता है नेचुरल हैबिटाट का स्ट्रक्चर यदि प्रभावित हो सकता है फंक्शन प्रभावित हो सकता है ठीक है तो ये सारे के सारे जो काम है ना किसके अंतर्गत आ जाते हैं कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ नेचुरल हैबिटेट के अंतर्गत आ जाते हैं लेकिन इंडिया की बात करें जो फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यूएशन है विच प्रीडेटेड द टीएन गोदा वरमन केस 1996 वाज एमड एट रिप्लेसिंग लॉस्ट नेचुरल फॉरेस्ट विथ कंपेंसेट्री प्लांटेशन टीएन गोदा वरमन केस आया था 1996 का इसका भी यहां पर उल्लेख किया जाता है इसमें बोला जा रहा है कि जो भी नेचुरल फॉरेस्ट का लॉस हुआ था ना वहां पर बोला गया था कि आपको उतने ही पेड़ लगाने पड़ जाएंगे कंपनसेटरी प्लांटेशन आपको करना पड़ेगा यहाँ पर दो चॉइस का वर्णन किया जाता है जो कि सपोर्टेड लीगली एंड इंस्टीट्यूशनली एंड सर्व एज द बैकग्राउंड फॉर वैल्यूएशन ऑफ नेस फॉरेस्ट लैंड इन इंडिया आर नाउ कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन लेवी एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू तो बोला जा रहा है कि आज के समय में हमारे देश में जो कि लीगल तरीके से सपोर्ट किया जाने वाला सिस्टम है इंस्टीट्यूशनली संस्थागत इसको सपोर्ट किया जाता है एंड सर्व करता है एज ए बैकग्राउंड फॉर वैल्यूएशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉरेस्ट लैंड की वैल्यू हम कर रहे हैं कि भाई कितना नुकसान हो सकता है इससे आज के समय में हम एनपीवी मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं अब बोला जा रहा है ये जो लेवी होती है ये कहाँ पर जरूरी हो जाती है जब हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट की जरूरत है इसके बदले में ये चाहिए हमें डिज़ाइन टू रिप्लेस द फॉरेस्ट लैंड विच व लॉस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ डायवर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू आर नॉन फॉरेस्टरी यूज तो लेवी जो लगाई जा रही है कहाँ पर लगाई जा रही जहाँ पर आपने उस जंगल का इस्तेमाल कुछ और काम के लिए कर लिया है नॉन फॉरेस्टरी यूज़ के लिए कर लिया है लेकिन देखा जाए सरकार से जो वसूली करी जाती है ना वो उतनी ज़्यादा सुफिशेंट नहीं रहती है जिससे कि हमें जो लॉस हुआ है उसको पूरा किया जा सके वहीं यदि हम बात करें कि भाई हमारी जो बायोडायवर्सिटी है उसमें डिग्रेडेशन हो रहा है ये सारी जो चीज़ें हैं बढ़ती जा रही हॉट बनती जा रही हैं And support to revenue generating eco-eco tourism, a valuation method which is based on ecosystem services, food, water and service regulating and the climate and floods is must. जब भी आप compensation की बात कर रहे हैं ना तो उस समय आपको ध्यान में रखना है food का, water का, ठीक है, ऐसी services जो कि regulate करती थी climate and floods को इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए और कंपनसेशन को तैयार करिए कि दस रुपये की बीस रुपए की इतना रुपये इसके बाद वाला जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे समाज के एक ऐसे वर्ग से रिलेटेड है जिनको हम दलित बोलते हैं ठीक है एंड ऐसे की कैटेगरी में आने वाले वे लोग हैं जिन्होंने छुआछूत को फ़ेस किया है पार्टिकुलरली ग्रामीण इंडिया में ठीक है पुराने समय में बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था दलितों के साथ में ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं कि हमें शायद सुनेंगे भी तो कानों को अच्छा नहीं लगेगा ऐसी ऐसी चीज़ों को वो फेस किए हैं दलित लोग मैं खुद यदि अपनी बात करूं अपने गांव की खुद की बात करूं तो हमारे गांव में एक कुआं हुआ करता था नॉर्मली देखा जाए ये जो कुआं था यादव लोगों के जो कंटिन्यू घर थे वहीं पर खुदा हुआ था सार्वजनिक ही समझ लीजिए इसको लेकिन है वो उन्हीं के अंडर में क्योंकि उन्होंने ही उसको खोदा था अब यहाँ पर सिस्टम ऐसा हुआ करता था कि यदि आप कुएं की लकड़ कुएं में जो लकड़ी की पार्टी डाली जाती है ना वहाँ पर पैर रख दें जहाँ पर उनकी गुंडी रखी हुई है घगरा रखा हुआ जिसमें वो पानी भर रहे हैं मटका रखा हुआ तो वो मटके का पानी गुंडी का पानी फेंक देती थी फिर से उसको धोती थी और फिर से उसको भरती थी मतलब टच नहीं होना चाहिए उनका पानी इतना ज़्यादा छुआछूत उस समय में चलता था आज के समय में भी ये चीज़ें विद्वान हैं यदि ग्रामीण भारत की तरफ यदि आप जाएंगे तो मैं खुद यदि अपने गांव की बात करूँ तो आज के समय में भी ब्राह्मणवाद चलता है तो यहाँ पर हम लेकिन जो चर्चा करने वाले हैं चर्चा के अंतर्गत देखेंगे कि नॉर्मली क्या सोचा जाता है उस समय में कि गांव में ज़्यादा छुआछूत था तो गांव के जो दलित लोग हैं वो शहर की तरफ जा रहे हैं अब वो व्यक्ति शहर में आ चुका है अब शहर में आने के बावजूद भी उसको कोई ना कोई चीज़ फेस करनी पड़ जा रही है इसके ऊपर राइटर ज़्यादा फोकस करते हैं इसके अलावा बी आर अम्बेडकर ने जो एक दो चीज़ें फ़ेस की हैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बताया गया है उनको यहाँ पर बताया जाता है अंबेडकर एंड दलित्स तो अंबेडकर के क्या विचार थे ठीक है तो बी आर अम्बेडकर ने रिजेक्ट कर दिया था विलेज लाइफ को एंड इनकरेज किया था दलित्स टू मूव टू द सिटी ऐसा क्यों करते थे कि हो सकता है कि उनके साथ में थोड़ा कम डिस्क्रिमिनेशन हो शहर में क्योंकि गांव में बहुत ज़्यादा रहता है अम्बेडकर का कहना था कि आ, हमारे गांव, हमारे देश के जितने भी गांव हैं ना वो कुल मिलाकर के हिंदू सोशल ऑर्डर के हिसाब से ही उनका निर्माण हुआ है ब्राह्मणों की अलग बस्ती है कुर्मियों की अलग बस्ती है यादवों की अलग बस्ती है और दलितों की बस्ती अलग है इसीलिए तो उनका कहना है कि आप गांव छोड़ दो शहर की तरफ में जाओ लेकिन राइटर का कहना है यदि कोई दलित व्यक्ति गांव से शहर आ भी गया है तो भी उसके लिए वहां पर जगह नहीं है जबकि गांधी थोड़ा सा अलग ही सोचते थे हालांकि गांधी का कहना है कि हमारे जो इंडियन विलेज हैं वो सेल्फ रिलायंट होना चाहिए उनको हम आत्मनिर्भर बनाएंगे इक्विटेबल होना चाहिए नॉन वायलेंट ऑर्डर में होना चाहिए एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए ग्राम स्वराज के माध्यम से लेकिन ये सारी चीजें मैं यदि कहीं पर भी दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है ना तो ये कोई भी चीज किसी काम की नहीं है अब हम अर्बनाइजेशन को लेकर के एम की क्या बिलीफ है उसको लेकर के यहां पर आगे चलते हैं अर्बनाइजेशन के बारे में शहरीकरण के बारे में अंबेडकर सोचते थे कि ये एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा दलित लिबरेशन को दलित आंदोलन को उनका कहना है कि जो सिस्टम ऑफ कास्ट ऑपरेशन है जिसके चलते चलते जो इंडियन विलेजेस हैं वो बिकम वीकर इन सिटीज जो यहाँ पर कास्ट का ऑपरेशन हो रहा है जातिवाद दिखाई दे रहा है वो शहर में जाने के बाद कम होने लगता है अब लेकिन यहाँ पर यहाँ पर भी हमें कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं जैसे कि जो दलित लोग हैं वो घेटूस में रहते हैं मतलब गरीब लोगों का जो एक पार्टिकुलर एरिया है जहाँ एक ही किस्म के लोग रहते हैं रिस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड डिनाइल ऑफ लैंड ऑनरशिप दलित लोग ऐसे बहुत सारे हैं और ऐसे बहुत सारे उनके अधिकार हैं जो कि उनको नहीं मिल पा रहे हैं जैसे कि वो कोई अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर पा रहे चमार है तो उसको जूते सिलने का ही काम करना है धोबी है तो उसको धोबी का ही काम करना पड़ेगा ठीक है मेहतर है तो उसको साफ़ सफ़ाई से रिलेटेड काम ही करना पड़ेगा अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो लोग नहीं कर पा रहे हैं साथ ही साथ में वो इतने ज़्यादा गरीब हैं कि वो एक भूमि के मालिक तक नहीं बन पा रहे हैं इस प्रकार के अधिकार उनको चाहिए रहते हैं फूले एंड क्या वो सिटी को लेकर के मानते थे एंड दलित के बारे में क्या सोचते थे उन्होंने भी सिटी की लाइफ के बारे में प्रशंसा करी थी फॉर बीइंग लिबरल एंड इनेबलिंग हिम टू अर्न ए लिविंग इससे क्या होता है गांव का जो व्यक्ति है कम से कम इतना योग्य हो जाता है कि थोड़ा दो चार पैसे वो शहर में आकर के कमाएगा और हो सकता है उतना ज्यादा उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो लेकिन यदि हम सिटी की लिबरेटिंग पावर्स के कोर में जाते हैं पॉवर अम्बेडकर एंड फूले वास द अपॉर्चुनिटी टू तो बिकम एनिमस जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं ना वो भी सिटी में आने के बाद शायद अज्ञात ही हमको दिखाई देती है एग्ज़ाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति यदि शहर की तरफ में आता है तो वो स्ट्रेंजर में भी खुद स्ट्रेंजर बन जाता है शहर के लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं वो भी किसी के बारे में कुछ नहीं जान रहा है क्यों क्योंकि कास्ट बेस्ड से ऑर्डर से वो ट्रांजिशन कर गया है अब कहाँ आ गया है क्लास बेस्ड ऑर्डर में आ गया है और शहर में अब गरीबी और अमीरी उसको दिखाई दे रही भली जातिवाद नहीं दिख रहा है एंड वन डिफाइंड नॉट बाई जीनियोलॉजी बट बाय एकुमलेशन ऑफ रिसोर्सिस ऑफ कैपिटल इस चीज को आप बोल सकते हैं कि जो रिसोर्स है या फिर कैपिटल है उसका एक्यूमलेशन हो गया है और मेरे पास क्या है अब यहाँ पर एक दो उदाहरण दिए जाते हैं जैसे कि बड़ौदा में वीजा के लिए वो किस प्रकार से इंतजार कर रहे थे किस प्रकार से वो स्ट्रगल किए हैं अंबेडकर जी एक लाइन यहाँ पर बताई जाती फिर भी आज के समय में जो मॉडर्न अर्बनाइजेशन का काम चल रहा है ना, यहाँ पर आप देखते हैं स्किल बेस्ड ट्रांजिशन हो रहा है ठीक है जिसके पास में स्किल है वो लोग उनको काम काज मिल पा रहा है अपनी रोजी रोटी अच्छी तरीके से चला पा रहे हैं इंडस्ट्राइजेशन आज के समय में अर्बनाइजेशन को चला रहा है एंड हम देखते हैं कास्ट के ऊपर आज के समय में स्किल का डोमिनेंस है तो ये चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गया था अम्बेडकर वैन इवेन स्किल्ड दलित वर नॉट अलाउ टू एंटर द वीविंग सेक्शन ऑफ टेक्सटाइल मिल शहर में आने के बाद भी एक चीज़ ये देख रहे हैं कि भाई कहीं पर टेक्सटाइल मिल है टेक्सटाइल मिल में एक स्किल्ड दलित व्यक्ति को एंटर नहीं होने दिया जा रहा है तो यहाँ पर दिक्कत वाली बात ये हो गई इस प्रकार के एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी अंबेडकर देखते हैं अर्बनाइजेशन को एज ए लिबरेटिंग फोर्स के तौर पर हाउ एवर आफ्टर ए सेंचुरी ऑफ अम्बेडकर स्ट्रगल विथ रेंटिंग ए हाउस इन बड़ौदा बड़ौदा में उनको आसानी से रूम का किराया नहीं मिल रहा था किराए से रूम नहीं मिल रहा था इसके बावजूद भी कहते हैं कि नहीं शहर ठीक है अर्बनाइजेशन ठीक है अब यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ प्योरिटी पॉल्यूशन ठीक है ये दलितों की बस्ती है ठीक है ये गंदी है ये लोग गंदे ये लोग गंदा काम करते हैं इस प्रकार से लोगों के माइंड में भरा हुआ है एक एग्जाम्पल यहां पर दिया जा रहा है कि एक कंज्यूमर सर्वे कराया गया था सन 2021 में जिसमें बोला जाता है कि सबसे पहले रेंट में लोग प्रायोरिटी देते हैं कि ये चिकन चिकन मटन खाने वाला नहीं होना चाहिए मांस खाने वाला नहीं होना चाहिए अब ये जो दलित लोग हैं जो कि ज़्यादातर नॉन वेज खाते हैं उनका क्या होगा ठीक उनके अधिकारों का क्या होगा यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता है घेटो एंड लैंग्वेज एज ए सिंबल के तौर पर इस्तेमाल जो किया जाता है शहर में भी इसके बारे में गोपाल गुरु का क्या कहना है गोपाल गुरु ने सेग्रीगेशन पॉलिसीज अंडर द पेशवास इन मराठा किंगडम इस संबंधित कुछ टीखा टिप्पणियाँ करी हैं गोपाल गुरु ने एक्सप्लेन किया था इस फेनामिननल को किस फेनामिनन को कि वो जो लोग जहाँ रहते हैं एंड लैंग्वेज एज़ ए सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है गुरु का कहना है ये जो घेटो रहते हैं एक प्रकार से गरीबों की जो बस्ती होती है वो न केवल एक ऐसा एक जगह है बट आल्सो फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बॉडी ऑफ घेट्टो ड्वेलर वो एक प्रकार से पूरा का पूरा सिंबल बना देती है ठीक है जहाँ भी जाएंगे वो अपनी पूरी बस्ती को ऐसा लगेगा कि पूरी बस्ती को लेकर के जा रहा है एंड लैंग्वेज में हम किस प्रकार के वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम देखते हैं कि जो संवर्ड सव, लोग हैं उनके लिए प्योरिटी वर्ड प्योर यूज़ किया जा रहा है ठीक है एंड ये लोगों को पॉल्यूटेट कौन करेगा दलित बॉडी के द्वारा पॉल्यूटेट किया जा सकता है एक्सटेंड टू द लॉजिक ऑफ सिटी ये भी चीज़ जो है सिटी तक आज के समय में एक्सटेंड हो चुकी है जहाँ भी जाते हैं तो उनको ये लगता है कि मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ मेरे साथ मैं पूरी बस्ती की पहचान जुड़ी हुई है पूरी बस्ती मेरी बॉडी के साथ में जा रही है इसलिए जो घेट्टो होते हैं उनको करेक्टराइज़ किया जाता है कि वो फिल्थ हैं डर्ट हैं बिकम्स म्यूचुअली रेनफोर्सिंग ऑन द बॉडी ऑफ दलित जो कि दलित की बॉडी के साथ साथ में ही हमको चलते हुए दिखाई दे रही है दलित को कैरेक्टराइज किया जाता है एज ए मीट ईटिंग एंड अदर अनएक्सेप्टेबल ट्रेड्स के माध्यम से अभी हाल फिलहाल में 2017 में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने मीट की जो सॉफ है ना उनके ऊपर बैन लगा दिया था ए बैन ऑन सेलिंग मीट नियर रिलीजियस प्लेसेस एंड ब्लैक पेंट और करटे इन फेकेड ऑफ द सॉफ टू हाइड द साइट ऑफ मीट फ्रॉम पेडेस्ट्रियन इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि पैदल कहीं कोई जा रहा है तो वो किसी को वो शॉप ना दिखाई दे कहीं मंदिर वंदिर बना हुआ उसके किनारे आप ये शॉप मत खोलिए फिर 2021 में आप देखेंगे बहुत सारे जो मुंसिपल कॉरपोरेशन थे गुजरात के उन्होंने बैन कर दिया था सेल ऑफ मीट बेस्ड स्ट्रीट फूड ऑन सिटीज मेन रोड सिटिंग रिलीजियस सेंटीमेंट बोल दिया था इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं प्रभावित हो रही और पार्टिकुलरली हिंदू लोग ब्राह्मणवाद लोगों के चलते चलते ऐसा हुआ है राइटर का ऐसा कहना है इसके अलावा बहुत सारी चीजें जैसे कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर आर द वर्स्ट इन दलित एंड मुस्लिम घेटोस बात करी जाती है कि देखिए जो अर्बन अरबन एरियाज़ में यदि पार्टिकुलरली कोई बस्ती में दलित लोग रह रहे हैं तो वो साफ़ ड्रिंकिंग पानी के लिए तक वो लोग तरस जाते हैं सबसे बेकार व्यवस्था इसी एरिया में रहती है तो सबसे ज़्यादा जो बेकार व्यवस्था है दलित एंड मुस्लिम गेटोस में हमको देखने को मिल जाती है इसके अलावा बहुत सारे जो इन्वामेंटल पॉल्यूशन है जैसे कि लैंडफिल जो कि बताता है लैंडफिल कहीं पर है मतलब आप ये समझ जाओ कि यहां पर दलित एंड मुस्लिम लोग रह रहे हैं एक प्रकार से सिंबल की तरह ये काम कर रहा है अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट आई थी हाउसिंग एंड लैंड राइट्स नेटवर्क के द्वारा ऑन फोर्स इविक्सन इन इंडिया आल्सो सोस दैट दलित एंड मुस्लिम आर मोस्ट इम्पेक्टेड बाई स्लम डेमोइलेसन ड्राइव शहर में हम लोग गए हैं अब जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर हमारे घरों को हटा दिया जा रहा है तोड़फोड़ कर दिया जा रहा है इससे कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं दलित लोग एंड मुस्लिम लोग बताया जा रहा है अब हम ये कह सकते हैं कि इंडियन सिटी में भी जाने के बावजूद भी दलित लोग कुछ ना कुछ चीज़ों को प्रॉब्लम फेस कर ही रहे हैं इसलिए इनकी जो एस्पायरेशन है इनकी जो एक्सपेक्टेशन है जो कि हमको दलित लिबरेशन मूवमेंट में देखने को मिली थी वो अभी तक फुलफिल नहीं हो पा रही है इसके बाद जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से हाल फिलहाल में जो भविष्यवाणी करी गई है कि आ, जो एवरेज रेनफॉल है उससे कहीं ज़्यादा रेनफॉल होने वाली है रिसीव करेगा इंडिया और ये चीज़ हमें मिलने वाली है साउथ वेस्ट मानसून से ऐसा कहना है इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का आई का यहाँ पर अल नीनो का भी उल्लेख किया जाता है ठीक है तो सबसे सब पहले अल नीनो के बारे में हम देख लेते हैं नॉर्मली देखा जाए भारत में जैसे बारिश हो रही है ठीक है तो वो मानसूनी हवाओं के चलते चलते होता है समुद्र से स्थल की तरफ जो हवाएं चलती हैं उससे क्या होता है अपने साथ में नमी लाती हैं और वो बारिश का एक रीज़न बनती हैं एक रीज़न ये हो सकता है कि प्रशांत महासागर का टेम्परेचर जब बढ़ने लग जाए तो समुद्र की सतह का ऊपर का जो दाब है ना वो कम होने लग जाता है ताप बढ़ रहा है तो दाब कम होता है और इसी के चलते चलते फिर सिस्टम्स का निर्माण चालू हो जाता है और सिस्टम होने के चलते चलते ये जो हवाएं हैं ना, बारिश का कारण बनती हैं इसी घटना को हम बोलते हैं अल नीनो अल नीनो में समुद्र का तापमान बढ़ता है मतलब पानी गर्म होता है और जो ला नीनो होती है ना, उसमें समुद्र का तापमान कम होता है पार्टिकुलरली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पूर्वी उष्ण कटिबंधी प्रशांत महासागर के सरफेस की बात कर रहे हैं यहाँ पर यदि यह टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है तो इसके चलते चलते जो बारिश होगी उसको हम बोलेंगे अल नीनो लेकिन जो ला नीनो होता है वो शीत अवस्था होता है तो अल नीनो की जो घटना होती है ना साल भर में एक से अधिक समय तक नहीं रहती है बोला जा रहा है कि आमतौर पर एक वर्ष से ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं रह सकता इसके विपरीत जो ला नीना की घटनाएं होती हैं एक से लेकर के तीन साल तक बनी रहती हैं और बोला जाता है कि यदि ये दोनों घटनाएं नॉर्थ वाले गोलार्ध में होती हैं ठीक है नॉर्थ वाले गोलार्ध में सर्दियों के दौरान अपने चरम अवस्था पर होती हैं तो आई ने कुछ कुछ प्रोडक्शन दिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना कितना इनका प्रोडिक्सन है कितनी बारिश हो सकती है